अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैडम मैडम पानी पी लीजिए। मैडम पानी पी लीजिए। अब बताइए क्या हुआ था जी। लिखो। हम लोग नाम बताइए पहले मैडम। राधा समीर राहुल अनु सर, ये 5 दिन पहले की बात है। हम लोग हाय मिस आयशा मैम है। एक्सक्यूज मी आयशा मैम है क्या? आप समीर हैं? हाँ। अच्छा बताइए मेरा शेड कैसा लग रहा है? मैं यहाँ तुम्हारा शेड देखने नहीं आया हूँ। आयशा मैम हैं? आप अंदर जाके वेट कीजिए, मैम का फोन आया था, वो आती होंगी। थैंक यू।
हेलो मैम। हाय समीर, कैसे हो? बैठो। आई एम फाइन। आप बताइए कैसा चल रहा है? बस कुछ नहीं, अभी एक ट्रेवल शो खत्म किया। कैसा रहा? बहुत अच्छा। ये बताओ, अगर तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है तो मेरे लिए कुछ करना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैम। एक प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्री फॉरेन चैनल के लिए, बजट भी बहुत बढ़िया है। अच्छा मैम, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल्स बताएंगी? कभी निधवन के बारे में सुना है? नहीं। एक जगह कहते हैं कि वहां कोई रात को रुक नहीं पाता है, और जो भी रुकता है वहां पे वो जिंदा वापस नहीं आता है, और जो भी वापस आते हैं वो इस हालत में नहीं होते हैं कि उनके साथ हुए घटनाओं के बारे में बता सके। ओके। कहते हैं रात को वहां किशन जी रासलीला करते हैं। तुम्हारा काम होगा इसके पीछे की सच्चाई को जानना। कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैम, आई होप कि बजट भी इंटरेस्टिंग होगा। बजट तो बहुत बढ़िया है, पर एक कंडीशन है। ओके। एक बार तुमने अगर एग्रीमेंट साइन कर लिया तो पीछे नहीं हट सकते हो। अगर पीछे हट गए तो प्रोजेक्ट फी के 3 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। सोच लो, अपने टीम के साथ बात कर लो। ओके मैम, मैं अपनी टीम से बात करके आपको कल तक रिप्लाई करता हूं। गुड, आई विल वेट फॉर योर कॉल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। इट्स मी, आई थिंक इट्स ऑन। क्या? हेलो राहुल। हाँ समीर। अरे जाते जाते मेरा शेड तो बताते जाइए। अच्छा समीर, किस लिए बुलाया था? हाँ यार, बड़ी जल्दी बुलाया तूने, क्या स्पेशल है क्या कुछ? अच्छा सुनो, आयशा मैम ने आज मुझे ऑफिस में बुलाया था। वो एक फॉरेन नेटवर्क के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट भी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि हम सबके लिए बहुत अच्छा मौका है फॉरेन नेटवर्क में अपना काम दिखाने के लिए। वाओ, नाइस, ब्रिलियंट यार। ओके, अच्छा ये बताओ किस बारे में है और कैसा है? अरे यार कुछ नहीं, वो एक जगह है ना निधवन। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मैंने ना सुना इस जगह के बारे में। ओह गॉड, इनफैक्ट मेरे डैड ने बताया था कि यहाँ कोई रात को रुकता नहीं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्री क्या बनाना है? हाँ। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, फॉरेन नेटवर्क है, पैसा अच्छा दे। अगर तुम लोग वाकई में इंटरेस्टेड हो तो कल एग्रीमेंट साइन करते हैं यार, कुछ एडवांस देते हैं और काम पे लग जाते हैं, सिंपल। चीयर्स। चीयर्स। यार हम लोग चलते हैं, हमें अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। यू गाइस कह रही हो क्या यार? चले कल ऑफिस में मिलते हैं और बाकी बातें वहीं पे करते हैं। अरे अरे तू निपटा तो दे उसे, खत्म होने को तो है। सुन कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? चल चल। बाय। तू जा रही है, तू तो रुक जा। ओके राहुल, बाय। छोड़ने का मन नहीं कर रहा। चले बाय। सी यू गाइस। और साले हाँ, क्या चल रहा है? अरे फ्रेंड है यार। ओह गॉड।
पीती क्यों जब चढ़ जाती है तो? अरे यार, ओह गॉड। लेकिन वो जोक सही था ना? क्यों, अच्छा लगा ना? ओह गॉड, मैं चेंज करने जा रही हूँ। ओके। ला 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 थैंक गॉड, अब ये कैमरा काम आएगा। वाओ यार, क्या फिगर है तेरा अनु। वाओ, क्या मस्त बॉडी। क्या कर रही है यार? कैटरीना और करीना को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तू तो ना बस। गिव मी दैट। हाँ, वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही है? राधा राधा की जवानी। पागल हो गई है तू। She is very sexy, ये किसी के हाथ ना आनी। अच्छा सुन, बहुत मजाक हो गया। मैं निधवन के बारे में चेक आउट कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, तू भी वहां पे आ। ओके, यू कमिंग? ओके। अरे ये क्या कर रही है? क्या ये? देख इसे। मूविंग ऑन देयर इज अनदर मिस्टीरियस कंसेप्शन एसोसिएटेड विद निधवन, दैट इज एट नाइट नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो एनी काइंड ऑफ सिंगल एनिमल कान स्टे इन। राधा, ऐसी कई जगह होती हैं। और सुन तू, एज लॉर्ड कृष्णा अपीयर्स इन द नाइट टू परफॉर्म देयर रास लीला एंड इफ एनीवन इज प्रेजेंट देयर टू सी दैट, ईदर बिकम्स डम और डाइज। छोड़। लिसन टू दिस, देयर इज वन मोर थिंग। इट इज सेड दैट दे आर नॉट फाउंड हेल एंड हार्टी इन द मॉर्निंग टू डिस्क्लोज द स्पिरिचुअल सीक्रेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा, तेरी ये आदत बहुत बुरी लगती है, तू हर चीज को इतना सीरियसली क्यों ले लेती है? बात सीरियसनेस की नहीं है यार, तू खुद ही पढ़ ले। तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं तो चली सोने। और तू भी आ जाना। हाँ, तू जा। क्या यार, हमेशा टीवी ऑन करके सो जाती है। देख, मैं तुझे बता दूं, मुझे इस बात से कभी प्रॉब्लम रही नहीं मेरे। ओके। हां सही में। हे गाइस। हे राहुल। हाय समीर। हाय। कल तुझे मिस किया मैंने। डार्लिंग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, रात में? हां?
ओके भाई, अगर सुबह हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। एक कॉफी लाना मेरे लिए। क्या बात है, क्यों भाई, ऐसा क्या किया रात को जिसका हैंगओवर उतारने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ रही है? वेरी फनी। ओके ओके, ये एग्रीमेंट के पेपर्स हैं, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ला। ओके, बढ़िया से पढ़ो और साइन कर दो। ला, पेन दे। कहाँ साइन करना है? पढ़ ले इसे पहले। गाइस, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी रीजन से बैकआउट कर रहे हैं तो हमें प्रोड्यूसर को 3 times पैसे देने पड़ेंगे। यार राधा, ये तू क्या पहली बार कोई प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं ना, सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यही होता है भाई। हाँ, अरे यार मैं साइन कर रहा हूँ। छोड़ ना यार, साइन कर और स्टार्ट करते हैं काम। अनु, मैंने कल ही तुझे इसके बारे में दिखाया था। तो क्या हुआ? तो मैं ये कह रही हूँ कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले तुम लोग भी एक बार देख लो। यार राधा, तू हर बात को इतना इतना बड़ा क्यों बना देती है यार? राहुल जो है, मैं वही बोल रही हूँ, तो समझाना यार इसको। ओके 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 राधा। ओके, 1 minute प्लीज। राधा कर दे। राधा, 1 minute। समीर, यही कर लेना बात। तो क्या, तो कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। तो मिस किया मुझे बहुत? तो फोन क्यों नहीं किया? जरूरी नहीं समझा। अरे मिस करा और फोन नहीं किया? कर देती फोन यार, मैं आ जाता, क्या दिक्कत है? क्यों, वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा था रात भर, तो बुला लेना था ना मुझे। ओके ओके ओके, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। ओके और राधा, ये प्रोजेक्ट हम सब कर रहे हैं। हाँ। ओके, और तुम्हें एज अ टीम मेंबर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना मत सोच यार, साइन कर दे। क्यों सोच रही इतना? राधा। हेलो आयशा मैम। यस। हाय। या मैम, हमने एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर लिया है मैम। हाँ, तो 1 घंटे में मैं आपके ऑफिस में आके मिलता हूँ आपसे। ओके, या थैंक यू मैम। ओके, सरप्राइज। उस दिन एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम लोग रात को समीर के घर पे मिले। यार पता नहीं, पर मुझे ये जगह बहुत वियर्ड सी लग रही है यार। ये फिर शुरू हो गई। अच्छा एक बात बता मेरे को, उससे हमें क्या लेना देना? तूने अभी सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? यहाँ रात को रुकना अलाउ नहीं है। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे रात को रुका है वो कभी भी वापस नहीं आया है। पर राधा, तुम खुद ही सोचो, वो एक रिलीजियस जगह है, वहाँ ये सब क्यों होता होगा? तू फालतू में टेंशन ले रही है यार। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, पर मुझे लगता है कि तुम लोग इस चीज को बहुत ही लाइटली ले रहे हो। और तू इसको बहुत सीरियसली ले रही है। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने। सर, आखिरकार मुझे भी उनके साथ एग्री होना पड़ा। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग निधवन गाड़ी से जाएंगे। हाँ यार, ये ठीक है, इसी बहाने रोड ट्रिप भी हो जाएगा। गाइज आई एम सॉरी, पर मुझे ये सही आइडिया नहीं लग रहा है। आई मीन 1200 किलोमीटर दूर गाड़ी में कम से कम 2 रातें लगेंगी। सुबह समीर और राहुल ने हमें पिक किया और हम लोग निधवन के लिए निकल गए। Jump, jump.
अरे राहुल, वहां आगे एक पेट्रोल पंप है, गाड़ी वहां ले ले। ठीक है। भैया टैंक फुल कर दो। जी साहब। तो भाई शूट कैसे करना है, क्या करना है, इस बारे में सोचा है? सोचा है यार, मुझे नहीं लगता कि हमें शूट करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। आधा पैसा तो अभी मिल गया है, आधा पैसा कब मिलेगा? अबे तू पैसे के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? हो गया? जी साहब। ठीक है भैया, वो गाड़ी का इंजन वगैरह भी चेक कर लो। हाँ चलो चलते हैं। आओ बैठो। चलो बैठो। ठीक है। भैया ऑयल वेल चेक कर लिया आपने? जी साहब। भैया बहुत दूर तक जाना है इसलिए कह रहा हूँ बन बन ना पड़ जाए। ओके तुम्हें कुछ खाना है? भूख लगी है? चल कर खा लेंगे पहले। अरे खाने वाने के बारे में भैया सुनो, ये आसपास कोई वो है क्या, ढाबा वाबा खाने की जगह? जी यहाँ से सीधा जाके हाईवे पे, सीधा सीधा रास्ता है जी, इसी हाईवे पे। क्या क्या मिलेगा वहाँ पे? आप मीनू नहीं पता मेरे को। ठीक है भैया शुक्रिया। अभी मुंबई से निकले हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि रेडियो पे ये न्यूज़ आई। अभी अभी ये सूचना मिली है कि मुंबई से बसरा हाईवे पे एक ट्रक और बस के बीच एक घमासान टक्कर में 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना की वजह से हाईवे का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे पुलिस के मुताबिक यातायात सामान्य होने में 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। मुंबई से आते हुए सभी वाहन चालकों को ये सूचित किया जाता है कि अभी यातायात एक दिन के लिए स्थगित कर दें। अब क्या करें यार? पता नहीं, वैसे भी मुंबई से 8 घंटे आगे आ गए हैं। तो तू ही बता क्या करें? अब वापस जाने का तो मतलब नहीं बनता बॉस। तो फिर क्या करें? लेकिन एक दिन बर्बाद भी तो नहीं कर सकते यार। वो तो है। मुझे एक रास्ता पता। कौन सा? वो यहाँ हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर जाके एक कच्चा रास्ता आता है जो हमें आगे ले जाकर सीधा राजस्थान बॉर्डर पे मिलाता है, फिर वहाँ से हम आराम से मथुरा हाईवे पकड़ सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया गाइस। हुआ क्या? देखता हूं। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे यार क्या यार, अब इतनी रात को गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या यार, आई होप ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हुई हो। क्या हुआ राहुल? देख रहा हूं। क्या हुआ भाई? अबे यार शॉर्ट सर्किट हो गया यार, पता नहीं गाड़ी झटके मार के बंद हुई है। मैं जानता हूँ मैंने कैसे संभाली है। क्या यार राहुल, तुझे कहा था ना कि गाड़ी चेक करने के लिए, अब हो गई ना प्रॉब्लम? 6 महीने पहले गाड़ी ली है यार, और फिर तुम्हारे सामने पंप पे चेक नहीं करवाई थी?
यार समीर ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे 2 मिनट टाइम तो दे भाई उसे। यार ये लाइफ में कभी सीरियस होगा कि नहीं। यार यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। राहुल गाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, एक काम ढंग से नहीं कर पाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि गाड़ी का आइडिया बिल्कुल ही बेकार है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी सुनता ही कौन है, राइट? जंगल। यार नेटवर्क भी नहीं है। अपने अपना चेक करो तुम। मेरी तो बैटरी डाउन है। एक मिनट। यार अभी इतनी रात को जंगल में कहाँ रुकेंगे? मेरी गलती थोड़ी ना है यार। अब मुझे कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है इस वीराने में रात में फंसने में। अच्छा तुम लोग ये लड़ना बंद करो प्लीज। सोचना ये है कि आज की रात हम यहाँ निकालेंगे कैसे। कमाल है यार समीर, अब यहाँ कहाँ इस खेत जंगल में रात गुजारेंगे हम। यार और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। सोचने दे यार आखिर करना क्या है। हे गाइस वो देखो घर जैसी कोई जगह है। कहाँ पे? वहाँ चलते हैं जहाँ लाइट है। वो वाली लाइट? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ यार चलो चलो चलो, क्या पता रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। हाँ यार कुछ तो है ऐसा ही, चलो देखते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए। हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो सामान लो, चलो जल्दी करो। अरे बैग को छोड़ भाई, जितनी जरूरत है उतना सामान ले जाते। ठीक है। हाँ टॉर्च ले ले। ये ले। कितना अंधेरा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें रात बिताने के लिए जगह मिल गई। समीर बहुत अंधेरा है, पता नहीं यहाँ पर कोई होगा कि नहीं। सब लोग साथ में रहना ठीक है। यार इस जगह को तो देखते ही डर लगता है। जगह तो देख के डरावनी लग रही है। ये तो बहुत पुराना लगता है यार। ये देख तकत। हाँ ये तकत सही है यार, मजबूत भी है। यार सुन ऐसा करते हैं यहाँ पर अनु और राधा इस कमरे में ओके और मैं और राहुल बाहर। फाइन ठीक है ओके ठीक है। या देखो संभल कर चलना, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। ठीक है कम ऑन लेट्स गो। चलो आ जाओ। अरे यार यहाँ से तो सांप वाप भी आ सकता है। यार राहुल यार चुप कर यार चल।
यार राधा, अरे नॉर्मल हो जाए यार, एक ही रात की बात है यार। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? एग्जैक्टली, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। यार पैसा आ रहा है, सही बात, जा थोड़ी ना रहा है। बिल्कुल सही, मुझे तो वो औरत बेवकूफ लगती है। साल में दो चार अगर ऐसी बेवकूफ मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। वहां पे बहुत मौत हो चुकी है, do you understand that? यार तू पागलों जैसी बातें मत कर यार। What do you mean? मैं थोड़ा लाइट होके आता हूँ। राहुल लगता है चढ़ गई है तुझे। अरे उधर कहाँ जा रहा है, इधर जाना पीछे। अबे करने का मजा तो खुले में ही है। अच्छा समीर तो ये बता, तू आयशा को कब से जानता है? यार मेरा एक फ्रेंड है आशीष, वो आयशा मैम के लिए सारे प्रोजेक्ट्स करता है। ओके। लेकिन अभी वो एक फिल्म के लिए बाहर गया है, तो उसी का एक मेल आया था कि जाके आयशा मैम से मिल लेना। चलो यार बहुत रात हो गई है। अभी सो जाते हैं, सुबह गाड़ी भी तो ठीक कराना। अरे उधर कहाँ जा रहा है, इधर 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 इधर।
फ्रेश होने गई है, जल्दी आ जा। अनु समीर राहुल यार कहाँ पे हो तुम लोग? अनु राहुल कहाँ हो यार तुम लोग? राहुल यार प्लीज डोंट डू दिस टू मी यार। अनु राहुल समीर यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार प्लीज कहाँ हो तुम लोग यार? राहुल कहाँ हो यार तुम लोग? यार कहाँ हो तुम लोग यार? मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज राहुल अनु अनु समीर क्या हुआ? क्या किया तूने समीर? क्या हुआ? हाँ? हुआ क्या? कुछ नहीं यार, बस डराया है इसको मैंने। डराया? तुझे पता है ना उसको कितना डर लगता है? अरे यार मजाक किया है बस। ये मजाक का टाइम है? तू बताइए मुझे टाइम के बारे में। हाँ? तू क्यों उसको छोड़ के गई थी इस वक्त? हाँ? इसके साथ आशिकी करने गई थी तू? ओए, दो बातों को जोड़ मत यार, ठीक है ना? मैं और वो जो भी करते हैं ना रात को उसे इश्यू बनाने की जरूरत नहीं। हाँ? ओके, ओके, I'm sorry. और एक बात सुन ले तू भी, इसको भी बोलना, इसको इश्यू ना बनाए, समझा? ठीक है, खत्म करो इस बात को, मैं राधा को लेकर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, राधा को लेकर जा रही हूँ। क्या है? अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। तुझे भी आधी रात को मजाक करने की सोची? हाँ यार ये लड़कियां भी ना। आ,
सुबह के 6 बज गए। ए राहुल उठना, राहुल उठना, सुबह हो गई यार। ठीक है ना। अरे गाड़ी बनवानी, उठना। हाँ ठीक है। राधा, अनु, अरे उठो यार, सुबह हो गई है। अब गाड़ी का क्या करेंगे? देखते हैं। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि गाड़ी का आइडिया बेकार है। अरे नहीं यार, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ये कैसे हुआ? ये क्या हरकत थी राहुल? ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? तुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ? ज्यादा स्मार्ट मत बन मेरे सामने। अबे बोल क्या रही है, क्या हो गया, पागल हो गई है? ये सब तेरा ही प्लान था ना, और ये सब तेरा प्लान है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तूने जानबूझ के गाड़ी खराब की, जिससे पूरी रात तू अनु के साथ आशा के लड़ा सके और समीर मेरे साथ ये स्टूपिड सा प्रैंक खेल सके। राहुल, दैट वाज योर प्लान। क्या बोल रही है तू? अबे पागल हो गई है क्या तू? अरे नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं है, तू यार गलत समझ रही है तू। समीर तू चुप रह, तू चुप रह, तू भी इस प्लान में शामिल था ना? अरे यार राधा, ऐसा कुछ नहीं था यार, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है यार? यार प्लीज, मुझे ना कुछ भी नहीं समझना है समीर। अबे ना तेरा बहुत हो गया, जब मैं बोल रहा हूं ना मैंने कुछ नहीं किया तो बोली जा रही है। हाँ राधा, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चुप रह। मुझे पता है कि तुम सब इसमें मिले हुए हो, और एक बात याद रखना, ये भद्दा सा मजाक तुम सब पे भारी पड़ेगा। क्या किया भाई, क्या कर दिया? मुझ में कोई भूत घुस गया था क्या, जो रात में मैं गाड़ी में घुसा, गाड़ी खराब कर दी और सुबह सुबह उठते ही मैंने गाड़ी ठीक कर दी? हां समझा इसे। समीर क्या समझाएगा मुझे? हाँ मुझे सब समझ में आ गया है। लिसन, अभी काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वैसे मेरा मूड खराब हो गया इस जगह। अरे राधा प्लीज। राधा सुन ना, चल बैठ। ये लड़की भी ना। अरे बैठ यार, छोड़ ना। हाँ क्या मिलेगा भाई? आप दाल फ्राई है, कड़ी है, दो प्लेट वही लिया। ठीक है, उनसे पूछ लो जा। एक काम कीजिए, दो रोटी लाइए और एक प्लेट दाल। हाँ वही लेकर। सुनना थोड़ा जल्दी करना। अनु एक बात बताओ, कल रात को मैं बहुत डर गई थी। वो बस मजाक था। तू सच बता, तू भी क्या इस मजाक में इन्वॉल्व थी? ट्रस्ट मी यार, उसमें मेरा और राहुल का कोई हाथ नहीं था, ये सारा प्लान समीर का था। अरे यार क्या है? और मैं तो राहुल के साथ थी। अगर तू कह रही है कि तू राहुल के साथ थी, तो फिर जब मैं बाहर आई थी तुझे ढूंढते हुए, तब तूने ये क्यों कहा था कि मैं आ रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं लगाई थी। फिर वो आवाज? अरे यार राधा, जो बातें हो गई उसे भूल जाओ प्लीज, और आज के बाद इस तरह का मजाक तेरे साथ तो नहीं करेंगे, प्रॉमिस। ये सब तो मजाक में चलता रहता है, अब तू भूल जा और मूड ठीक कर। ठीक है यार, मजाक किया कोई बात नहीं, लेकिन वो अनु की आवाज का क्या किस्सा है? हेलो, ये मजाक है ना, इसको मजाक की तरह रखें तो बेहतर है।
और तुम क्या कह रही हो ना, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे नहीं पता तो क्या अनु को पता होगा उस बारे में? मुझे क्या पता यार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक बात सुन लो, तुम जिस आवाज की बात कर रही हो ना, मैं उसके बारे में नहीं जानता बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, मैंने जो किया मैं एग्री करता हूँ, और मुझे लगता है ना, तुमने ना जब से उस जगह के बारे में पढ़ना शुरू किया है तब से हम वही सारी बातें कर रहे हैं। वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, दिस एंड दैट, और ये सारी बातें ना तुम्हारी इधर भर गई हैं। यही सोच के मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा डरा देता हूँ, पर मैंने अनु की कोई आवाज नहीं निकाली यार। हाँ तो तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार बस यार, यार समीर, अरे यार तू सॉरी बोल देना यार। और राधा, ओ माफ कर दे इसे, वो सॉरी बोल रहा है तुझे। सॉरी माफ कर देना यार, वो सॉरी बोल तो रहा है। सॉरी, थैंक यू मैम। अरे भाई साहब, आया सर। बिल लिया जरा, ये लीजिए। सलाम साहब। इसी तरह हमारी गाड़ी वहां से निकली और पिछले रात की तरह हमारी गाड़ी एक बार फिर से खराब हुई थी और इस बार हाईवे पे हमें दूर पे एक लॉज दिखा और किसी भी तरह हम लोगों ने गाड़ी को धक्का मारा उस लॉज पे पहुंचे। हुँ।
चाचा एक कमरा मिलेगा? चाचा एक कमरा मिलेगा क्या? हाँ आ जाओ। ये अपना रूम है, चल सुबह मिलते हैं। ये तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट। बैग तो ले लो। हाँ मुझे दे। बाय बाय बाय। गुड नाइट। चल आ जा यार। हाँ चल। थक गए धक्का लगा लगा के, मेरी तो हालत खराब हो गई। कौन? चल यार मैं तो चेंज कर रही हूँ। हाँ यार चल तू जा। शुक्र है कि बाल बाल बच गए, नहीं तो कल के अखबार में हमारा नाम होता। आई नो। करिया रनु तू डरा दिया तूने मुझे। अच्छा सुन मैं रूम पर जा रही हूं, तू प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ
तू नीचे थी ना, तू ऊपर कैसे आ गई? मैं नीचे थी, मैं तो यहीं थी। Are you okay? क्या हुआ तुझे राधा, क्या हुआ? मैंने अभी तुझे नीचे देखा, तू ऊपर कैसे आ गई? मैं तो यहीं सोई थी, तू क्या कह रही है? तू पागल हो गई है क्या? तूने कोई सपना देखा होगा? मैंने अभी तुझे नीचे देखा था। उन्हों राधा, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं सोई हुई थी। चल अब सो जा, चल ऊपर। क्या हुआ तुझे? हाँ, नीचे तू नीचे थी अनु, नीचे। मैंने तुझे अभी नीचे देखा था। अरे मैं यहीं थी। रिलैक्स रिलैक्स, लेट जा, तू डर मत। मैं हूं ना तेरे पास। मुझे और अनु को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह हम लोग अपनी गाड़ी वही लॉन्च पे छोड़ के मथुरा के लिए निकल गए। सुबह मथुरा पहुंचते ही हम लोगों ने एक लॉन्च ली। राधे राधे। राधे राधे। रूम चाहिए? अच्छा अच्छा यार, प्लीज यार, आज एक ही कमरे में रुकते हैं, प्लीज यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, एक रूम। चलिए चलिए, यहाँ आसान कर दीजिए आप। क्या नाम है आपका? राधा। अच्छा अच्छा, कहाँ से आई आप? हम लोग मुंबई से आए हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। बंटी, चले, चाबी ले लूं मैम। मैडम को चाबी दे दो। हाँ, लेट्स सी, या जाकर ही पता चलेगा। एब्सोल्युटली। हमारे पूर्वज ऐसा बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ था। अच्छा। पर हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। भक्ति चैनल से आया है, हम पर नहीं बोलना आता है। जो विद्वान के बारे में जो सब बातें होती हैं, ये सब निधिवन के बारे में तो देखो जो ही जानते होंगे जो यहाँ के हैं। हाँ। हम तो इतना जानते नहीं है। अच्छा। निधिवन के बारे में आप क्या जानते हैं? निधिवन ये साइड में ब्याजी के पास ही है, वो जंगल है। वृंदावन के बारे में आप क्या बता सकते हो, इस जगह के बारे में?
वो रात को कोई रह नहीं सकता, भगवान ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे रासलीला होती है। कुछ ऐसी घटना जो हाल ही में हुई हो जो आप हमें बता सकें? 8-10 आदमी मर गए। 8-10 आदमी? और कहा उनसे, कहा ऐसा है यहाँ पे रहो मत, आप रहोगे तो मर जाओगे। सिर्फ कहानी है, ऐसा सच्चाई नहीं है। कहानी ना सच्चाई है। जो लड़का यहाँ देख चुका है ना, तो वो रहता है दिल्ली में, अभी भी वो कुछ नहीं बोल सकता। जिंदा है? अभी भी वो जिंदा है मगर बोल नहीं सकता। निधि वन जो है इसका अंदर में जो भी रुकता है, रात को क्या देखता है क्या नहीं देखता, ये तो ठाकुर जी जाने। पहली बात तो चला भी जाएगा तो देख नहीं पाएगा उनको, और अगर देख भी लेगा तो फिर वो मेरे यहाँ के संसार का मतलब का नहीं रहता है। मेरे सामने 3-4 आदमी मेरे सामने मरी। हाँ, निधिवन में बिल्कुल साक्षात है, महाराज होता है, आज भी होता है, जो है वो आज भी महाराज है, बिल्कुल सच, बिल्कुल बिल्कुल सच है। लेकिन 1.5 साल पहले एक यूरोप के रहने वाले थे, नाम तो उनका पता नहीं, वो रात्रि को रुक गए, सुबह 1 घंटे के लिए जीवित मिले इस हालत में, जैसे 1-6 महीने का बच्चा। आज भी अगर कोई रुकना चाहे किसी के अंदर हिम्मत, तो अपने घर से जो है वो कह क्या है कि मैं सुबह को वापस नहीं आऊँगा, जो है वो तो आज भी वो रुक जाए जो है, तो आज भी वो सुबह को जो है वो उसके 3 काम होंगे, या तो वो पत्थर का हो जाएगा, अच्छा। या उसकी, या वो कोमा में चला जाएगा, या वो जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो है वो। चैनल से आए हैं, मुझे ये बताइए कि आप निधिवन के बारे में क्या जानते हैं? मैं ये राधा रानी। निधिवन को क्यों नहीं रुकते हैं रात को? रात को बेटा ना तेरे का बिहारी जी, हाँ। तो जाके मारे वहाँ में रास हो तो जहाँ में राधा रानी में सेवा कुंज में और माँ, अच्छा। तो भगवान आते ना है, तो भगवान जो कहते हैं कोई किसी से किए नहीं जाके नहीं, अच्छा। तो माँ को जिंदा नहीं रहने देते, अब मैं वहाँ में रह जाऊँ फिर मुझे कहूँ मैंने रात को भगवान देखे, मैंने यहाँ देखे जिन जो कर रहे यहाँ मारे वो खत्म नहीं कर रहे थे मेरे। ऐसा कुछ हुआ? देखो भगवान से क्या डरना, भगवान हमको दे रहे हैं, हम उनसे क्यों डर, हमारे अंदर श्रद्धा है, हमको बुला रहे हैं भगवान तो हम जा रहे हैं उनके पास। सबसे पूछताछ करने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि निधवन के बाहर हम लोग जमुना किनारे पे मिलेंगे सर। ओके, तो हो गई सब पूछताछ, अब चलें। यार जो भी पड़ा वही निकला, जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया सबने यही कहा कि निधवन में जो कुछ भी होता है वो अफवाहें नहीं है। ज्यादातर लोगों ने तो यही बोला कि वहाँ रात रुकना खतरे से खाली नहीं। पर हमारा काम तो हो गया ना? अरे अभी कहाँ हमारा काम हुआ यार, अभी हमारा काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है मतलब? अभी तो आज की पूरी रात हमें निधवन में निकालनी है। तू पागल हो गया क्या समीर? इतना सब कुछ सुनने के बाद तू वहां पे रात को रुकना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल रुकना चाहता हूं। अगर आज की रात हम यहां रुकेंगे नहीं तो फिर यहां आने का मतलब ही क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुना नहीं कि वहां पे जो कुछ भी होता है वो अफवाह नहीं है, सच है। अगर रात को नहीं रुकेंगे तो तुझे पता है ना क्या होगा? पता है ना? कहां से देंगे यार इस एग्रीमेंट का 3 गुना पैसा? आई डोंट नो यार, फिर भी देखो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है वहां पे। जो भी गड़बड़ होगी ना हम वहां चलकर देख लेंगे, सो इट्स ओके, क्लियर? ओके, राहुल और राधा तुम दोनों एक साथ इधर जाओगे, ठीक है? और अनु तू मेरे साथ, हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है? क्लियर? ठीक है।
अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं मैं पागल यार, डरा मत। देख देख कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ उस तरफ क्रॉच वहां दिखा। बहुत खतरनाक जगह है। अरे नहीं यार, बहुत घना जंगल है। कुछ दिखाई दे रहा है तुझे? आराम से।
समीर कहाँ जा रहे हो? समीर रुको, समीर, समीर क्या हुआ? कहाँ चले जा रहे हो तुम? समीर, समीर मेरी बात तो सुनो, समीर, समीर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? समीर, समीर क्या हो गया तुम्हें? समीर, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ के मत जाओ, समीर रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैं आया। राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल यार क्या कर रहा है यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अगर करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। पूरी रात क्या मैं इसे होल्ड करके रखूं? राहुल यार मुझे डर लग रहा है। अरे यार तू खामा खा डर रही है और मुझे भी डरा रही है। राहुल, राहुल, राहुल प्लीज यार मजाक मत कर यार। राहुल, राहुल, समीर, राहुल, राहुल प्लीज कम बैक। राहुल, समीर, समीर, कहाँ जा रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गया? हम लोग निधवन गए थे डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। प्लीज हेल्प मी सर, मुझे वो लोग मिल नहीं रहे हैं। एक मिनट, सुनिए, ये बताइए ये लॉज कहाँ पर है?
सर लॉज। मैं आपके साथ उस लॉज पर चलता हूँ। ओके चलिए, आपको लॉज का रास्ता पता है? चलिए। हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए सर। हाँ ठीक है, क्या नाम है तेरा? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, ये मैडम के साथ इनके कुछ दोस्त आए हुए थे, वो यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक? मैडम तो अकेली आई थी सर, कौन से दोस्त? अरे यार, ये सुबह मैडम 11 बजे यहाँ आई थी, इनके साथ इनके 3 दोस्त थे, रात को कहीं घूमने गए थे, वो सुबह यहाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे? कौन से दोस्त? मैडम तो अकेली आई थी सर। क्या सर, ये झूठ बोल रहा है सर। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको याद नहीं क्या, सुबह आपने एक कमरा दिया था जहाँ पे मैं अपने 3 दोस्तों के साथ रुकी थी। मैडम मैडम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है? आप अकेले आए थे, मैंने आपको रूम दिया था, मैं ही ड्यूटी पे था, आपको एक रूम दिया था, आप अकेली आई थी मैडम। सर ये झूठ बोल रहा है सर, आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। आज सुबह हम यहाँ पे आए थे जहाँ पे आपने हमको एक कमरा दिया, जहाँ पे हम 4 दोस्त रुके हुए थे, एक लड़की और 2 लड़के, आप प्लीज सोचने की कोशिश कीजिए। मैडम मुझे खूब याद है, खूब याद है, मैं ही ड्यूटी पे था, मैंने ही इन्हें रूम दिया है, लेकिन आप अकेली थी मैडम। आप एंट्री दिखाई मुझे। देखिए देखिए सर, अगर मैडम के साथ और कोई होता तो 2 कमरे देता ना मैं, एक ही कमरा है मैडम के नाम से। ये क्या है सर? मुझे आप प्लीज सोचिए, दोबारा सोचिए कि आपने हमें कमरा दिया था जहां 4 दोस्त यहां पे आए थे, प्लीज। मैडम मैं खूब सोच के बता रहा हूँ, खूब सोच के बता रहा हूँ कि आप अकेले आए थे और बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है सर। मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे पास क्या रीजन है झूठ बोलने के लिए? मैं क्यों झूठ बोलूंगी कि मेरे दोस्त गायब हो गए सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है। मैडम मैं आपको जानता हूँ, नहीं जानता ना? सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं मुंबई से यहाँ पे आई हूँ सर अपने 3 दोस्तों के साथ। कल रात हम एक लॉज पे रुके थे, आज सुबह हम यहाँ पे रुके थे जहाँ पे इन्होंने हमें एक कमरा दिया था। तो मैं कब झूठ बोला? मैंने कमरा दिया है, मैं कब झूठ बोल रहा हूँ सर? उसके बाद हम निधवन गए थे सर एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए, जहाँ पे मेरे 3 दोस्त गायब हो गए, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसे ढूंढे? ढूंढे किसे, कोई होना भी तो चाहिए ना, जब आपके साथ कोई यहाँ आया नहीं तो ढूंढने किसे जाएं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, सच क्यों नहीं बता देते? मैं खूब सोच के बता रहा हूँ, आप अकेले थे और अकेले थे, अब कैसे मैं कहूँ कि आप? मैडम मैडम मैडम, मुझे लगता है आप खामखा परेशान हो रही हैं और हमें भी कर रही हैं। अगर कोई है तो उसके होने का सबूत भी तो होना चाहिए ना, क्या आपके साथ कोई आया था या नहीं था, बताइए। पानी मंगावे सर। नंबर सर, मेरे पास उनका नंबर है सर, देखिए सर उन सबका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा है। क्या हुआ? अब ये मत कहिए कि आपके पास उनका नंबर भी नहीं है। नहीं सर, सर ऐसा नहीं है सर, मेरे पास थे उनके नंबर, पर मुझे सर प्लीज सर आप मेरे साथ एक बार लॉज पे चलिए सर, मुझे यकीन है आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा सर, प्लीज सर। चलिए। और तू? जी। जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आ जाऊँ ड्यूटी छोड़ के मत जाइयो। जी ठीक है, चलिए। अरे हमारी गाड़ी किधर गई सर, हम यही छोड़ के गए थे। यही है क्या मैडम? यही है ना? हाँ सर। सर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, सर आप यकीन कीजिए सर, हमारी गाड़ी यहाँ पे आके खराब हो गई थी सर, और चाचा आए थे सर, उन्होंने हमें कमरे भी दिए थे, मैं अभी उनको बुलाती हूँ सर, आप देखिए। चाचा चाचा। अरे मैडम यहाँ ना तो कोई चाचा है ना चाची, यहाँ तो भूत भी नहीं आते, आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं? सर प्लीज सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैडम, आपको क्या लगता है हम खाली बैठे हैं? फिर आप जैसी पब्लिक की पुलिस वालों को ताने मारती हैं। आप मुझे पहले बता देती आप यहाँ आना चाहती हैं तो मैं आपको इस जगह की हिस्ट्री पहले बता देता। ये लॉज पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है और यहाँ पर कोई नहीं आता है। सर आप मेरा यकीन मानिए सर।
आइए मैडम, ये लीजिए, देख लीजिए। ना तो यहां पर कोई आपका चाचा है ना चाची है, यहां पर तो भूत भी आने से घबराते हैं मैडम। सर, सर मैं अपने तीन दोस्तों के साथ यहीं पे रुकी थी सर। हम लोग इसी लॉज पे रुके थे सर। सर आप यकीन कीजिए सर। मैडम ये लॉज 15 साल से बंद पड़ा है, 15 साल से यहाँ कोई नहीं आया है। 15 साल पहले यहाँ एक हादसा हो गया था जिसमें 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिनमें से 2 लड़के और शायद 1 लड़की थी। सर, सर यही सर, देखिए सर हम लोग यहीं पे रुके थे सर। हमने यहाँ पे 2 कमरे लिए थे सर, जहाँ मैं और अनु 1 कमरे में रुके थे सर, समीर और राहुल दूसरे कमरे में रुके थे सर। प्लीज सर, आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही है? क्यों आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि यह हालत इस जगह की 1 दिन या 2 दिन में नहीं हो सकती? देखिए, आपके कहने पर मैं आपके उस होटल में जा चुका हूं, होटल वाले ने भी बोल दिया है कि यहां पे आपके साथ कोई नहीं आया था, और आप ही के कहने पर मैं इस जगह पर भी आया हूं, यहां पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। सर ये देखिए, देखिए क्या है यहां पर, क्या नजर आ रहा है आपको इस खंडरों में? सर आप एक काम कीजिए सर, आप मेरे साथ उस ढाबे पे चलिए सर, जहाँ हमने खाना खाया था। सर आप मेरे साथ उस ढाबे पे चलिए प्लीज। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपके कहने पर आपके होटल जा चुका हूँ, इस लॉज पे आ चुका हूँ, और अब मुझे कहीं जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको पास ही एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ छोड़ देता हूँ, आप बॉम्बे की ट्रेन पकड़िए और चली जाइए यहाँ। सर आप प्लीज यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैं ये क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे 3 दोस्त गायब हो गए, मेरे पास क्या रीजन है सर आप ही बताइए। मैडम मुझे नहीं पता आपके पास क्या रीजन है या नहीं है, मगर मेरे पास ड्यूटी करने के और भी रीजन है। मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप चलिए। कल रात को हमारी गाड़ी यहाँ पे आके खराब हो गई थी। मैंने कहा चलिए, और हम लोग यही पे आके रुके थे सर। मैंने कहा मैडम चलिए चलिए चलिए। पता नहीं आज सुबह इस वक्त किसका मुंह देखा। चल आज का दिन ही पूरा खराब गया। मैम आपको कोरियर आया है। रख दो।
हेलो, दो मिनट बाद भेज दो, ओके? मैडम, ये लॉज 15 साल से बंद पड़ा है। 15 साल से यहाँ कोई नहीं आया है। 15 साल पहले यहाँ एक हादसा हो गया था जिसमें 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिनमें से 2 लड़के और शायद 1 लड़की थी। हेलो मैम। हाय राज, कैसे हो? बैठो। थैंक यू। एक प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्री फॉरेन चैनल के लिए। सोच लो, अपने टीम के साथ बात कर लो। ओके मैम। गुड, आई वेट फॉर योर कॉल। आई विल कॉल यू मैम। हैव अ नाइस डे। बाय मैम। इट्स मी। I think it's on. अरे राज का फोन आया था, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। शाम को मिलते हैं।